आप सबको आने वाले छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठी माता आप सबका भला करे, सबका अच्छा करे। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छठ पूजा का प्रसाद ठेकुआ। इसके बिना छठ पूजा अधूरी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और किस तरह से इसे हम परफेक्टली एक बार में ही बना सकते हैं, सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। वेलकम टू मोर विद फूड बाय प्रियंका। चलिए बनाते हैं मेरे साथ ठेकुआ। सबसे पहले यहाँ हम लेंगे गुड़। यहाँ मैंने गुड़ का पाउडर लिया है, ये लिया है मैंने आधा कप। इसके बाद लिया है मैंने 1/4 कप दूध। ठंडा दूध लें और इसे मिक्स कर लें, आप विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ गेहूं का मोटा आटा लिया है और साथ में 1/4 कप लिया है नारियल का बुरादा। साथ में थोड़ी सी इलायची भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें एक बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। अच्छी तरह से हाथों से इसे कर ले मिक्स। जब ये इस तरह से मुट्ठी बन जाए इसका मतलब एकदम परफेक्ट आटा तैयार है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके जो हमने गुड़ और दूध का मिक्सचर बनाया था वो डालेंगे और हाथों से इसे मिलाते रहेंगे। इसके बाद इसमें सारा डाल देंगे जो हमने मिक्सचर तैयार किया था धीरे धीरे करके, और जब ये इस टेक्सचर का हो जाए तो गोल गोल इसके इस तरह से बॉल बना लेंगे। अब इस बॉल को एक पलटे के ऊपर रख के मैंने डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो लकड़ी का सांचा यूज़ कर सकते हैं या आप टूथपिक से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ मैंने ये दो तरह के डिज़ाइंस बना लिए हैं, आपका जैसा मन चाहे वैसा बनाएं, बस मोटा या बहुत पतला ना बनाएं। अब घी को गर्म करेंगे मीडियम आंच पे और इन सबको डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। धीरे धीरे पलट के दोनों साइड से क्रंची होने तक पका लें। इसको तेज नहीं करना है, हमें आंच को बिल्कुल तेज नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लगभग 10 से 12 मिनट लगते हैं इनको इस तरह से सिकने में। ये देखिए क्रैक्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये परफेक्टली डन हो चुका है और तैयार हो गया आपका प्रसाद ठेकुआ, जो छठ पूजा का एक अभिन्न भाग है। आप गुड़ की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली ये गुड़ में ही बनता है, और अगर गुड़ में बना रहे हैं तो घी में ही बनाएं। और कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं।